बहारों के आने से गिनते नहीं, कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से गिनते नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह आपके पैदा होने से लेकर के नौकरी काल तक काम करते हुए जहाँ जहाँ जिस पीएससी सीएससी पर कार्य किए, ये सूचक है समय का। दोस्तों एपीएसजी लाइव में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं तो आज रिटायर हो रहे हैं जिला चिकित्सालय से, तो उनकी फेयरवेल पार्टी हार्ट वार्ड में रखी गई है, तो वहाँ निकल रहे हैं। और आज 31 अगस्त है ना, और आज उर्स भी चल रहा बहुत जोरदार। एक आदमी दिखाई दिया, धर्मेंद्र कुमार, पता नहीं क्या करने जा रहा, काली कपड़े पहन के। चलिए देखते हैं। हाँ, विदाई पार्टी शुरू हो गई है और हमारे यादव जी आइए भी, हमारे अजय पाल गंगवार जी स्वयं कर्मचारी परिषद के जिला के अध्यक्ष हैं। मैं उस रूम में इधर और दद्दा, क्या हाल है? नमस्कार भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हमारे गेस्ट आ रहे हैं मीटिंग हॉल। हाँ चलो, रामनरेश नरेश पटेल जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं और धीरे धीरे हमारी संख्या इस मीटिंग हॉल कर्मचारी के लिए दिया है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैं अपने दोनों अध्यक्ष और मंत्री से कहूंगा कि एक एक माला हमारे भूतपूर्व सांसद सुने हो, ये इसी जिला मुख्यालय से निकलित हुए थे और आज लखनऊ में ये स्टेबल हो चुके हैं, वहीं पे हैं ये। और अरे इनके लिए तो आइसक्रीम लाते यार। इन्हें भी एक एक माला। अरे ठीक है यार, ये थोड़ी सी नहीं लग रही होगी परंपरा के हिसाब से कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हम उन्हें तो सारे माला समर्पित कर ही चुके हैं। जो हमारे गेस्ट हैं हमारे बीच में आए हमारे साथी लोग हैं उन्हें भी सम्मानित कर दें। जो कर्मचारी संवर्गो के ऑफिस बेरर अध्यक्ष मंत्री होते हैं वो कर्मचारियों की हर समस्या के साथ, और मनोज जी को भी उधर डिटेल में बता भी दे, और जो मेहनत करता है उसे वो वक्त पर सम्मान चीजें होती है। और सदस्य रहे दीपे ताज भाई हैं यहाँ से, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जो सारे ड्यूज आप लोगों ने तत्परता से पूर्ण कर लिए हैं आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों से यही आशा करता हूं कि 30 अब मैं परिषद के जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
मिलते हैं, लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से मिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। इस बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह किया जाएगा। आपसे गुजारिश है आप तत्परता से हम लोगों के बीच में आएंगे। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, हम लोगों के बीच से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन जो सानिध्य इनका हम लोगों को मिला है बिल्कुल हेल्पफुल नेचर के। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जिस समय हमारे बड़े भाई श्री बीसी यादव जी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उस समय डीपीए की जो डीपीए का संगठन था उसकी स्थिति जो है डामाडोल हो रही थी। उसी समय कुछ कार्यक्रम भी लगे, लेकिन आपने और अनिल शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी तैनाती इस समय रामपुर महिला अस्पताल मुरादाबाद में। अब ये हम लोगों के जीवन का कटु सत्य है कि जो सेवा में आया है वो सेवा निवृत्त होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अपनी ये सूचक है समय का कि आपने नौकरी में जिस समय से नियमित बने रहे, अगर सेवानिवृत्त के बाद भी अपने समय को नियमित करेंगे तो इसी तरह स्वस्थ रहेंगे और आगे भी आपका जीवन लाइफ बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा। समीर जी लेकर के आए, सभी लोग एक साथ मिल करके उन्हें देने की में हम दोनों लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, इसे आपस में बदल ले कहीं आना जाना हो तो। अभी जी को ये दो बेटियां हैं हम लोगों के बीच में, ये ट्रेनिंग फार्मेसिस्ट है। डीपीए की तरफ से एक यादगार जोरदार ताली बजाओ यार। आइए सर, आगे 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 आगे। मेरा विक्रम दिवाकर एक क्लियर ही नहीं है। सेवानिवृत्त चौधरी साहब को सम्मान पत्र दे रहे हैं। आपके पैदा होने से लेकर के नौकरी काल तक काम करते हुए जहाँ जहाँ जिस पीएससी सीएससी पर कार्य किया है वो सारा विवरण इसमें दिया हुआ है, कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई, क्या कर रहे हैं और आप स्वस्थ हैं, और स्वस्थ ही हम लोग भेज रहे हैं और आगे भी ये चाहेंगे कि भाई जब भी मिले तो आप स्वस्थ मिले। सर्वप्रथम मनोज जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है, हमारे सभी साथियों को अधिकारियों को बताएं, और वो जो भी चीज आप ले आए हैं देने के लिए वो हमारे अधीक्षक और वरिष्ठ डॉक्टर मेघ सिंह साहब और एल के सक्सेना साहब संयुक्त रूप में चौधरी साहब को प्राप्त कराएंगे। पहले मनोज जी आप अपनी डिटेल्स यहाँ से दे दीजिए मन से, और उसके बाद से। नमस्कार जी, आज इकतीस अगस्त के दिन चौधरी साहब का हमारी सेवानिवृत्ति उपस्थित हुई कार्यालय के तरफ से, और जो भी सेवा सर ने हमारे बीच में दी है तब से लेकर अब तक सभी गुणा करके जो भी सर का ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी के साथ ही जो भी कॉम्पिटिशन है और साथ ही साथ पेंशन को सारे कार्यालय कंप्लीट करके आज सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं सम्मानित मंच, आप सभी लोगों का डीपीए परिवार की तरफ से हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि हमारे अभी रामनरेंद्र पटेल जी ने कहा है, चौधरी दादा के बारे में बहुत ही सरल स्वभाव कह रहे हैं,
मैं सिर्फ इनसे यही अनुरोध करूंगा अपना मार्गदर्शन जैसे देते रहे हैं पिछले 15 साल से ऐसे ही हमें देते रहे। धन्यवाद। पिता श्री स्वर्गीय डीपी चौधरी जी और माता श्री केसर देवी के आंगन में प्रज्वलित हुए थे और जो उस समय जिला बस्ती में था अब संत कबीर नगर हो गया, गांव का नाम सुंदरपुर बजहां जिला संत कबीर नगर में आता है। इसके बाद इनका प्रारंभिक शिक्षा भी के लिए फिर मैं मंच की तरफ आऊंगा। अगर किसी साथी को कुछ विशेष बोलना है कहना है तो हमारे पास नाम दे देंगे या देव जी के पास नाम होगा। सेवानिवृत्त समारोह के मंच पर बैठे मुख्य अतिथि श्री संत राम चौधरी जी, मंच पर विराजमान जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सा के रूप में मैं उनसे दो शब्द के लिए निवेदन करूंगा और मैं मणिपुरी यहाँ उपस्थित समस्त कर्मचारीगण एवं फार्मेसी एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर एसआर चौधरी जी के सेवानिवृत्ति जो कम में आए हैं उन लोगों का अपने हॉस्पिटल की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ और क्योंकि हम जैसे यादव जी बोलते हैं उस हिसाब से तो कहीं नहीं बोल पाएंगे। और चौधरी साहब ने कम से कम मेरे साथ में 10 महीने करीब काम किया है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ तथा उनके भविष्य के उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे। साथियों, मंजिले मकसूद उसी को सीने से लगाता है जो अपनी कोशिशों में लम्हा भर भी गाफिल नहीं होता। ये उसी का परिणाम है कि चौधरी दादा इतना लंबा सफर तय करते हुए आज एक सफल सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर है। लापरवाही जैसी चीजें सरकारी सेवा में उनकी जो खूबियां थी वो मैं सुनता रहा और मेरे साथ जो जैसा व्यवहार किया है उससे ये हसमुख और संघर्षशील थे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और जानने के साथ साथ व्यवहारता में भी जो मुझसे परिचित है वो मेरी कार्यशैली भी जानते होंगे। उसी का बहुत लोग यहाँ वितरण करते हैं। विशेष तौर से आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं व्यासार चौधरी जी, मैं आज उनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो सकुशल और मेधाव होकर के कामना करता हूँ कि स्वस्थ होकर के अपना जीवन व्यतीत करें और अपनी सेवाओं का जो है यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मार्गदर्शित करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर सभी आए सम्मानित सदस्यों और सभी से एसआर चौधरी के रिटायरमेंट जो है सभी का स्वागत करते हैं एवं ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहेंगे, एसआर चौधरी साहब जो भी समय हमारे पास आज मिला बहुत अच्छा समय मिला, हम
सपना जीते गए कि अपने आगे की लाइफ में स्वस्थ एवं मस्त रहें। थैंक यू सर। तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैं खाली इस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बस मैं यही चाहूँगा कि सुंदराम चौधरी जी की सेवा निधि पर इनको बधाई और ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए सारे पदाधिकारीगण एवं हमारे अधिकारीगण हाल में सवाल सभी साथियों, आज के दिन जैसे हमारे चौधरी साहब का रिटायरमेंट हुआ, ज्यादा बात ना कहते हुए इन्होंने अपनी प्रथा पारी पूर्ण निष्ठा। बहुत ही यादगार दिन है और सेवानिवृत्त का ये दिन एक ऐसा दिन है जो जीवन भर याद रखा जाएगा। सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे कार्यकाल में निर्विवाद रहे, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो जीवन में इनकी सर्विस में या किसी में बाधा उत्पन्न करता, ये सबसे खुशी की बात है। और आगे आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वास्थ्य इनका उत्तम रहे और मस्त रहें और सेवा हमेशा करते रहें। थोड़ा शांत हो जाइए भैया, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर डॉक्टर लक्ष्मीकांत सक्सेना, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, डॉक्टर ए पी सिंह और डॉक्टर और लखनऊ से आए हुए हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी डॉक्टर सचान, यहाँ पर सभी संगठनों से आए पदाधिकारी, हमारे छोटे भाई अनुज फार्मासिस्ट, और जिसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, और खासकर हमारे छोटे भाई डॉक्टर जनार्दन गंगवार पटेल जी और बीसी यादव, अंकित यादव और समीर भाई, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ऐसी विषम परिस्थितियों में इस सुंदर आयोजन किया, जिसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दो हजार सात में मैंने अंडर सीएमओ बरेली में ज्वाइन किया था, उसमें मुझे भोजीपुरा मिला था। वैसे मैं कार्यकाल मेरा जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में ही रहा, क्योंकि मेरी वहां ज्वाइनिंग जरूर थी, लेकिन मैं कार्य यही करता रहा। इस बीच हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो अपने संपर्क के हों चाहे दूसरे संपर्क के हों, पूरा चिकित्सा जगत, पूरा चिकित्सालय परिवार हमारा अपने सा जैसा लगा, जिसकी वजह से मैंने ये सारे कार्य आपको संपादित किए और मैंने सारी व्यवस्थाएं जो भी की वो आप सभी के सहयोग से की। एक आम आदमी से लेकर के भी वफादार मिले, आपका साथ पाकर बहुत खुश हूँ, दिल कहता है ऐसे लोग बार बार। आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया, जिसके लिए मैं आपको सुनाता हूँ, सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। अपने संबल डीपीए और हमारे अपने फार्मेसी साथियों की तरफ से भाई को कहना चाहूँगा कि चूंकि एक लंबी यात्रा होती है नौकरी के, हम लोगों से अगर कहीं पे भूल चूक कभी कोई कृतज्ञता हो गई हो तो उसे माफ़ करते हुए आगे के जो भी भविष्य और जो भी सेवाएं हम लोग कर सकते हैं आपकी, ये भविष्य में जब तक हम लोग हैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और इस सभा का विसर्जन जो है हमारे प्रांत है, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष जी, हमारे लग रहा भूख लग गई है, वो आप बाइजत और साथ में मैं, आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण समय आप लोगों ने अपने जीवन काल का निकाल के हमारे संवर्ग और हम लोगों के बीच में बैठने के लिए दिया, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ।
और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल या हमारे यूनिक जो भी हमारे जिला चिकित्सालय है, हर कर्मचारी का ये एक सम्मान हम लोग विदा करें तो ये भविष्य के लिए भी एक बेहतरीन चीज होगी और हम एक दूसरे को अपने अनुभव को भी बांट सकते हैं और जाने वाले को अगर सम्मान हम अगर विदा करते हैं तो उसके परिवार में, समाज में, सोशल एक्टिविटीज में, हर जगह उसे भी बाद में भी सम्मान मिलता है। मेडिकल लाइन ऐसा है कि आप टिल डेथ होगा कि आज सभा का करने में। धन्यवाद संचालक महोदय। आज की विदाई समारोह कार्यक्रम में जनपद के समस्त कर्मचारीगण, जिला अस्पताल के समस्त चिकित्सा अधिकारीगण एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, आज सभी लोगों का डिप्लोमा फार्मासिस्ट केशव चंद्र बरेली की तरफ से मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही मैं पुनः चौधरी दादा को उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ एवं सभा के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। नाश्ता पानी मिल गया, उसके बाद नाश्ता पानी खा के हमने चलो और हमारे डीपीए के सभी साथियों भी रुकेंगे, सभी साथियों से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रहे, चलो अभी डीपीए के सभी साथी कृपया रुके रहे, धन्यवाद। अब कुछ पीने पीने का भी है इसके साथ है, है, तो दो ना, ये क्यों ले लिया, ये क्यों ले लिया, पीने का भी खोल के दे रहा हूँ इसी के अंदर है सही में सही में। अच्छा तो ठीक है।